सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो, और फिर से आप लोगों को हाइपरसोनिक क्लब से जो है दिलीप भाई के साथ लेके आ चुके हैं। दिलीप भाई कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। ठीक है, तो भाई जिस दिन हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस दिन आपके पास ये वीडियो नहीं आ रही होगी, थोड़े टाइम बाद हम लोग इस वीडियो को आपके पास लेके आ रहे हैं। लेकिन अगेन वी हैव दिस ब्लैक अमेजिंग बढ़िया सी दिखने वाली ब्यूटी जो है हमारे पास है। 2013 की कौन सी गाड़ी है सर? ठीक है भाई, तो पॉश के जितने भी शौकीन लोग हैं और जितने भी लोग ओन करते हैं और थोड़े टाइम बाद अगर गाड़ी ओल्ड हो जाती है तो भाई उनके लिए जो है आज एक बहुत ज़बरदस्त हम लोग आप लोगों को OEM रिप्लेसमेंट एंड्रॉयड स्टीरियो जो है रिकमेंड करने वाले हैं। जैसा आप लोगों को पता है हाइपरसोनिक क्लब आप लोगों को हर लग्जरी कार का सॉल्यूशन अवेलेबल कराता है, चाहे वो मजाराटी हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो BM हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, एंड अगेन पोर्शे ऑल्सो। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का सॉल्यूशन चाहिए सो एक स्टॉप जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं, क्या इंस्टॉलेशन एट होम अवेलेबल होती है कि नहीं होती है? सर एट होम अवेलेबल तो नहीं होती है। ठीक है, वैसे देखो अगर होम पे करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं जैसे दिल्ली से, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो फिर टाइम लेना पड़ता है उसके लिए कि आप एक हफ्ते बाद होगी या तीन दिन बाद होगी, लेकिन हम लोग वो अवेलेबल कराते हैं। हिसाब से होगी, चार्ज उसके होते हैं। ठीक है, अगर ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करूं, लग्जरी कार वो गाड़ी है जो दिल्ली में नहीं एंटर कर सकती है, ये नहीं कि हर गाड़ी के लिए हम लोग जाएंगे। ठीक है, जो नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती उनके लिए फिर हम करते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करता हूँ, कोई कहता है मेरी केरला में कोई गाड़ी खड़ी है और दिल्ली तक हम नहीं ला सकते हैं, तो क्या हमारा कोई वहाँ पर अवेलेबल होगा या फिर कैसे? जगह पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है नेटवर्क हमारा, तो क्या वो लोग लगा देंगे? हाँ बिल्कुल, उनके थ्रू करवाते हैं हम, वीडियो कॉल्स पे गाइड करते हैं। ठीक है, और पूरा ग्राफ वगैरह सारा देते हैं कैसे करना है। और दूसरी चीज, अगर किसी जगह पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है, तो फिर कस्टमर आने जाने का खर्चा दूर है बहुत, तो फ्लाइट का खर्चा होता है उसका, ठीक है, रहने का होटल का और आने के जो एक्सपेंसेस है उसके अलग से हैं। ठीक है भाई, तो शौक वाली चीज़ है, अगर आप लोग शौक रखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सोल्यूशन हम लोग देंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं और जानना चाहूँगा सर, इस गाड़ी में कस्टमर की क्या चॉइस थी, क्या उनकी प्रेफरेंस थी, क्या क्या चीज़ें वो इस गाड़ी में करा रहे हैं? सर इस गाड़ी में जब कस्टमर लेके आए थे सबसे पहले उन्होंने बोला कि मुझे इसमें स्टीरियो लगाना है। इसका स्टीरियो क्या, पहले स्टॉक स्टीरियो दिखाओ, हमने तो अपग्रेड कर दिया। मैं आपको स्टॉक स्टीरियो दिखाता हूँ, इसका स्टॉक स्टीरियो यहाँ पड़ा है इधर पीछे। ठीक है, एक बार दिखाओ आप, ये लीजिए सर। तो भाई ये इसका स्टॉक स्टीरियो है। ठीक है, तो 2013 के टाइम में जो आप लोगों को उस टाइम की जनरेशन मिलती थी, आई गेस CD वाला ही होगा, PCM3। यस, तो ये इसमें वो होता, ब्लूटूथ होता था? हाँ ब्लूटूथ होता है इसके अंदर, ये ऑप्टिकल ऑपरेटेड सिस्टम है इसके अंदर गाड़ी में, अपना एम्पलीफायर है, स्पीकर है, पूरा सेटअप है। ठीक है, हमने कंपनी का एम्पलीफायर एक्टिव किया है थ्रू ऑप्टिकल के थ्रू। ओके, और डोर इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, अपना लॉक अनलॉक के जो फीचर्स होते हैं, हेडलाइट की डिले फीचर्स होते हैं, वो आप लोग देखोगे ना जब आपका दिल खुश हो जाएगा हमने क्या अपग्रेड किया। सबसे खास बात यह है कि हमने इसके जो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो हम लगा रहे हैं एंड्रॉइड, उसके अंदर हमने 360 इनबिल्ट दिया है। 360 इनबिल्ट हमने दिया, तो उसमें टच वाला मिलेगा, कौन सा मिलेगा? टच स्क्रीन ऑपरेटेड है, और ये इंडिया के कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं, गिने चुने के हम ही है भाई, अब क्या बोलूं मैं आपको, कि केवल हमारा इकलौता ऐसा ब्रांड है जो आप लोगों को इस चीज का सॉल्यूशन जो है अवेलेबल कराता है। फिलहाल के लिए अगर आप रियर की तरफ में आते हो तो भाई ये शीशे की जो कॉस्ट होगी ना वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कॉस्ट होगी, तो इसको काम करने के लिए कितना प्रिसाइजली काम करना पड़ता है, आई होप आप समझ सकते हो। ये टुकड़ी जो बोलते हैं ना, ये तो वैसे बोलेंगे भैया इधर मिल जाएगी उधर मिल जाएगी, ये टुकड़ी ढूंढने में जान निकल जाती है। तो इसमें हम लोग 360 भी लगा रहे हैं जो कि हम इनबिल्ट तरीके से लगा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं वायर ड्राइंग के बारे में बात करूं, आप थोड़ा सा आगे अगर मेरे को थोड़ा सा समझा सके, क्योंकि ऑडियंस काफी ईगर रहती है कि यार आप कैसे ड्राइव कर रहे हो पूरी तारे, एक बार समझा दीजिए ऑडियंस को। देखो स्टीरियो हमने यहाँ लगा दिया, इसके सारे पीछे कपड़ो टू कपड़ होता है जो स्टीरियो से रिलेटेड है। करेक्ट है, ठीक है, ये राइट मिरर की तार है, ये राइट मिरर की तार यहाँ से होते हुए सीधा मिरर में, करेक्ट, सेम उस तरफ से उधर जाएगी। ठीक है, फ्रंट की फाइंडर के साथ आगे जाती है। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि हमें कहीं से वायर अलग से जोड़नी पड़ी है कुछ, एक ही सिंगल वायर चल रही है? चार वायर होती है, चार नहीं मतलब चारों तरफ एक एक सिंगल वायर चल रही है, जंक्शन पे आगे जुड़ती है सिस्टम के पीछे। ठीक है, और ऐसी सेम वायर अंदर अंदर होते हुए पीछे जाती है। तो आप लोग सोच सकते हो इस गाड़ी की कॉस्टिंग इज अराउंड आपकी 2 CR के करीब प्लस, आप लोग अगर उस टाइम पे कॉस्टिंग देखोगे तो इस गाड़ी में काम कराने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए, हौसले के साथ में आपको ट्रस्टेड बंदा चाहिए, क्योंकि आप पूरी गाड़ी खुलवा रहे हो। अब कस्टमर कितने फेवरेबल होंगे अगर वो कुछ फीडबैक देना चाहेंगे तो वो मैं कोशिश करूंगा अगर मैं फीडबैक ले पाऊंगा। बाकी अगर आप लोग डोर पैड्स के बारे में बात करते हो, डोर पैड खुला है भाई, ये देखो इसको बोलते हैं फोमिंग, डैम्पिंग कराते हैं ना हम लोग, ये चीज जो है आपकी अपना जो आवाज होती है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, पैनल्स की आपस में टकराने रैटलिंग साउंड जो होती है वो इससे खत्म होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, हमारा कुछ बॉक्सिंग है, कुछ बॉक्स है हमारे पास जो हम दिखा सकते हैं लोगों तक, है ना सर, एक बार वो भी चेक करा देते हैं ऑडियंस को। ये सर इसका बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा भाई स्टीरियो का है, और मैं आप लोगों को केवल एक ग्लिम्स दे देता हूँ अभी, थोड़ा अगर भाई उधर से बैठेंगे मैं इधर से आपको एक ग्लिम्स देता हूँ। सो हम लोगों ने जो इस गाड़ी में एंड्रॉइड अपग्रेड किया, व्हाट अ मैसिव
अपग्रेड गाइस, कितना साइज है सर? D1S LED भी लगाई है हेडलाइट में प्रोजेक्टर। अच्छा जो D2S और वो सब बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। और पहले आप लोग ये देखो भाई, तो इसमें सर हमने क्या क्या चेंज किया थोड़ा लोगों को? सिर्फ ये पैनल दूसरा लगाया कंपनी को उतार के, बस और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं हुआ? और मतलब इसका स्क्रीन साइज क्या है? ये स्क्रीन आपका 9.7। और इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये बताइए? 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, 360 डिग्री इन बिल्ड है, DSP है इसके अंदर, 4G एवरीथिंग विद इंडिकेटर, सब कुछ वर्किंग होगा। यस यस यस। और दूसरा इसके सेंसर भी 3D ला दिए हमने 360 के साथ में। ओए होए। और दूसरी चीज इसमें टेस्ला भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसका टेस्ला आता है। एक हम वो पूना मोटर वाली हम वीडियो नहीं दिखा पाए थे, उसमें ये साइज लगा था। अच्छा ओके। अभी टेस्ला हम लोग, उसके बाद टेस्ला लॉन्च हुआ था, हमने जो मार्केट में दिया शुरू किया टेस्ला, हम काफी टेस्ला लगा चुके हैं भाई साहब। तो भाई आप लोग कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, ऐसे नहीं पूना के अंदर ही हो, हमारे हर जगह जितने भी डीलर्स है वो बहुत एक्टिव है। इनकी कुछ गाड़ियां हैं जिनमें स्टीयरिंग बटन आते हैं, कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग बटन नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से सब मैनेज करते हैं। स्टीयरिंग बटन नहीं होते हैं तो हम लोग एक्सटर्नल यहाँ पे ड्राइव दे देते हैं यूज करने के लिए, वॉल्यूम वगैरह हो गया आपका, गाने चेंज करने के लिए। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन आपके फिंगर टिप्स में, ओनली एट हाइपरसोनिक क्लब। ये वायरिंग भी जो ड्रॉ हो रखी है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, आपके साइड मिरर की है, और आगे से भी देख लो पूरी वर्किंग जो है हमारी टीम यहाँ पर लगी हुई है। कैमरेज की प्लेसमेंट दिखा सकते हो रियर में अभी हमें करी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे की प्लेसमेंट एक सेकंड, ये बंद, हाँ इसको एक बार दिखा देते हैं। तो देर यू को, ये कैमरा भी लगा है। तो इसमें पहले स्टॉक में कैमरा था कि नहीं था? कुछ भी नहीं था इसमें स्टॉक में, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। ओनली सेंसर। वेरी नाइस भाई, ठीक है। तो हमारा रियर कैमरा, इसकी क्वालिटी कितनी होगी भाई? सर ये HD है प्रॉपर, 1080 भाई साहब, आपका दिल खुश होगा। फिट होगा इसमें, ठीक है। तो मैं थोड़ा कैमरे की एक बार क्वालिटी अगर आप मेरे को चेक करा सकते, जो हाथ वाले कैमरे हमारे लगने हैं। हाँ बिल्कुल दिखा देता हूँ। और इसमें भी हम लोग जो ड्रिलिंग करेंगे वो भी परफेक्ट होगी, बिल्कुल इसके साथ ही आता है सर। वेरी नाइस। तो मैं आप लोगों को स्टीरियो का एक ओवरलुक जरूर दूंगा अगेन इसके बारे में भी। बहुत बढ़िया भाई, सो दिस इज हाउ द क्वालिटी लुक्स लाइक। लोग कहते हैं कि भैया चाइना से आ रही है चीजें, सबको चाइना, भाई आता बहुत चीजें चाइना से, लेकिन चाइना से क्या बना के लेके आ रहे हो उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज आप लोग जरूर समझिएगा इस चीज के ऊपर। और एक सबसे मेजर चीज जो मैं जानना चाहूंगा, अभी कौन से बड़े गाड़ियां जो है हमारी लूप में है जो हम दिखाने वाले हैं लोगों को? अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा एस क्लास की दूंगा, पूरे लॉन्ग स्टीरियो मीटर के साथ, लॉन्ग स्टीरियो जो हमने एक बार वीडियो में दिखाया था। यस भाई, वो स्टीरियो की आज फिटिंग है। और कौन सी गाड़ी दे रहे हो? उसके बाद में A6 है, A6 आ रही है। A6 के अंदर जो फ्लिप वाली स्क्रीन आती है 2016-17 मॉडल के अंदर, उसमें एम्बिएंट सिस्टम है इनबिल्ट 360। भाई साहब, तो आजकल एम्बिएंट भी लग्जरी कार्स में लोग काफी इन हो गए। एम्बिएंट उसमें हम लगाएंगे ऑप्टिकल वाली K3 के 4 नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका डैशबोर्ड पूरा ऐसे स्टाइलिश है। अच्छा, तो ऑप्टिकल डालेंगे उसमें। चलो भाई, तो स्टे ट्यून्ड, अभी इसकी वर्किंग करते हुए आप लोग जो है ऑब्जर्व करो, और बाकी फिर एंड में आप लोगों को जो है आउटपुट चेक कराते हैं। जी बिल्कुल। ओके गाइस, तो फाइनल शोडाउन का जो है टाइम आ चुका है, अब आप लोगों को चेक कराते हैं कि क्या हमने पूरी वर्किंग इस गाड़ी के अंदर करी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था हमने स्टीरियो अपग्रेड किया है इस गाड़ी में, साथ ही साथ में वी हैव इंस्टॉल्ड अ 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमराज आर बेसिकली फिश आई कैमराज, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्टिव चीज़ें जो है वो एक तो देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में जो आपका एक सिक्योरिटी कैमरा है उससे भी वर्किंग करता है, और साथ ही साथ में आपकी सेफ्टी भी जो है बरकरार रहती है। सबसे पहले 360 से स्टार्ट करेंगे, 360 जो है आप लोगों को वर्किंग वाइज हम लोग जो है यहाँ पर चेक करा देते हैं। फ्रंट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रियर हो गया। वेरी नाइस। इनके अंदर दो दो एंगल हैं, फ्रंट में भी ऐसी दो एंगल हैं, और उसके बाद ये आपके लेफ्ट राइट हो गया, रियर फ्रंट, ये सारे एंगल आपको मिल गए। 3D पे जाते हो अगर, तो ये आपको 3D व्यू हो गया इसका। और इसका जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है, कैन वी चेंज दैट आल्सो? यस, कलर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, आप गाड़ी का भी रंग अगर चेंज करना चाहो, गाड़ी का भी रंग चेंज कर सकते हो। आपको कॉन्ट्रास्ट कम करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, वो चीज़ भी आप वर्किंग कर सकते हो। अबाउट द रिवर्स कैमरा, इसमें पहले रिवर्स कैमरा नहीं था? रिवर्स कैमरा नहीं था, फ्रंट रियर सेंसर था इसमें। ठीक है, एक बार आप कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए रियर का, एक बार ऑन कर दीजिए। इसे बंद कर देते हैं पहले। ठीक है, ये बंद हो गया। आपको आवाज जो आपकी स्टॉक आती है वो तो आवाज आएगी आएगी, साथ ही साथ में आपको डिस्प्ले भी जो है इसमें देखने को मिल जाएगी। वापसी ले आइए, वापसी लाने के बाद कुछ सेकंड के साथ में फ्रंट में आके फिर टाइमिंग आप सेट कर सकते हो, फ्रंट कितनी देर के लिए चाहिए आपको। ठीक है, ये हम सेट कर सकते हैं। अबाउट द लेफ्ट इंडिकेटर, जैसे आपने दिया तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मेरा टायर जो है वो पूरा कट यहाँ पर करता हुआ देखने को मिल जाएगा। सेम गोज विद द राइट साइड इंडिकेटर ऑल्सो, आप लोगों का जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ देर के बाद जैसे आपका इंडिकेटर जो है बंद होता है, ये अपने नॉर्मल मोड के अंदर है। ठीक है, इसकी भी टाइमिंग हम सेट कर, इसकी भी टाइमिंग आप सेट कर सकते हो कितनी देर के लिए आपको चाहिए इसमें। बाकी साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, DSP है इसके अंदर, इक्वलाइजर है, फेडर बैलेंस कंट्रोल है, DTS वगैरह हो गया, LCR मोड, जिनेवा मोड, प्रो मोड पर डालना आपने। सारे जितने भी लग्जरी कार्स है, इफ यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, एक ही जगह सारे बेंटले वाले फीचर हैं, सब बेंटले में होते हैं ये।
वेरी नाइस। अच्छा, इसके ओरिजिनल फीचर्स के बारे में एक बार बता दीजिए हमें। ओरिजिनल फीचर्स तो ये रहे आपके, इसमें कार इन्फॉर्मेशन में जाएंगे आप, करेक्ट, ये गाड़ी की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें सिस्टम में नहीं थी इतनी, ठीक है, ये कैन के थ्रू उठाई गई सर, ये कैन के थ्रू जो है वर्किंग होती है, ठीक है। अभी डोर इन्फॉर्मेशन जो इसमें एक बहुत बेसिक चीज होती है, तो वो लेफ्ट से राइट डोर दिखा रहता है, वो तो वो चीज़ हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी स्टीरियोज आते हैं वो लेफ्ट ड्राइव साइड वाला के अकॉर्डिंग बन के आते हैं, लेकिन अगेन ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अबाउट दी टच ऑल्सो, अगर आप लोग फील के बारे में बात करते हो कि टच का कैसा फील है, सो वो आप लोग खुद देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब मज़ेदार तरीके से, जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन आप लोग यूज़ करते हैं वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो नेटफ्लिक्स है और ये सब चीज़ें, क्या ये वर्किंग होती है कि नहीं होती है? इस मॉडल में नेटफ्लिक्स चल जाएगा, अमेजन प्राइम भी चल जाएगा, ठीक है। ये ऐप जो है ये पहले से डली हुई है इसमें, ये जैसे अभी टिकटॉक होगी ये सब नहीं चलेंगी, बेस चलेगा आपका, जेडलिंग चलेगा, लाइकी वगैरह सब चलेंगे, बाकी प्ले स्टोर तो है ही है, तो आप कुछ डाउनलोड करना चाहे प्ले स्टोर से आप जो भी वर्किंग कर सकते हो। आपको यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है इसके अंदर, ग्लोव बॉक्स में यूएसबी पोर्ट दिया है, ओके, आप इससे, और ये सिम का पोर्ट है 4G, इसमें सिम लगा सकते हो, सिम भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पर अभी, अगर नॉर्मली एक कैमरे का कोई, हाँ ये DVR वाला जैसे ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें अभी क्या डिस्प्ले होगा? खाली आपको फ्रंट कैमरा लगाना हो, या आप जैसे इन जो कैमरे लगे इनकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, ये 4 कैमरे की रिकॉर्डिंग है ये, तो ये रिकॉर्ड भी कर रहा है? हाँ रिकॉर्ड भी कर रहा है, वॉइस भी रिकॉर्ड करेगा ये। आपको इसको USB सेलेक्ट कर देनी है, USB 1 लगनी है, USB 1 पे सेट कर दो, पेन ड्राइव लगाओ, रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा, आप अंदर बैठ के क्या बात कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड कर देता है। वेरी नाइस, तो मतलब ये आपका स्पाई कैमरे की तरह भी काम कर देगा, ठीक है। ये आपका पर्सनल ऑप्शन है, आप कैसे क्या वर्किंग करना चाहते हैं। कैमरेज के बारे में, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, क्या ये सोनी के कैमराज है, कौन से? सोनी लेंस 1080 HD कैमरा देते हैं, ठीक है। सोनी लेंस है, जो कि मार्केट में नॉर्मली कोई यूज नहीं करता, क्योंकि दीज आर लिटिल कॉस्टली थिंग। मार्केट में यूज होता है वो आपका 1080 होता है, कुछ लोग 720 भी करते हैं, करेक्ट, लेकिन वो स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। जैसे 316 बिल्ड जो सिस्टम मार्केट में आ रहे हैं, ओके। अगर लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो इनका फ्रेम होता है वो अलग होता है, कैमरों का क्वालिटी अलग होती है, उनके अंदर कैमरे नॉर्मल कैमरे नहीं चलेंगे, परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जब भी आप लोग अपनी लग्जरी कार, नॉर्मल कार, किसी भी कार में 360 लगवाने आ रहे हैं, अपने एरर जरूर चेक कराइए कि भैया आपकी गाड़ी में क्या एरर थे, बाद में आप ऐसा ना बोलो कि भाई आपकी ऐसे मेरी गाड़ी में एरर आ गए, तो ये चीज़ हम भी क्रॉस चेक करते हैं, स्पेशली लग्जरी कार्स में, तो हम सबसे पहले ये चीज़ करके जो है चेक करते हैं। अगेन कुछ गाड़ियों के साथ में जो आप लोगों को रिवर्स कैमरा डालने के बाद में बड़े देर तक आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आता है, उनके कैन स्लो होते हैं या कैन उतना स्कैनिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाती, ठीक है भाई। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इवन आप लोगों की जो ग्रिड लाइंस है, अगर आप लोग देखेंगे आप लोगों की रियर ग्रिड लाइंस, इवन आप लोगों का रडार्स आर आल्सो वर्किंग भाई परफेक्ट तरीके से, अगर कोई आगे आता है या कुछ भी होता है तो वो आप लोगों को जो है पूरा वर्किंग इसमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये पर्सनल चॉइस के, उससे मैंने आप लोगों को एक चीज और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो वायरलेस एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो है। अब हम अपनी बेसिक सीरीज के बारे में बात करें, तो अब हमारे हर स्टीरियो के अंदर एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगभग 90% स्टीरियो में हमने इनबिल्ड कर दिया सर, इनबिल्ड हो गया, क्योंकि बेसिक फीचर हो गया अभी है। पहले हम लोग वो लेके आते थे, डिवाइस लगानी पड़ती थी तब आप लोग राउट कर पाते। मैंने अभी भी मंगा रखी है, वो डिवाइस है मेरे पास में, जैसे एक्सयूवी का टेस्ला हो गया, ठीक है, उसके अंदर इनबिल्ड कारप्ले पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कंपनी से नहीं आता, और कुछ ऐसे जबकि उसके सबसे ज्यादा लोग मांगते हैं, जैसे पुराने कस्टमर है जिन्होंने 2018-19 में स्टीरियो खरीदे, उसमें कारप्ले नहीं आता था, तो वो लोग कारप्ले चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है। और जितने भी टायर 2 टायर 3 सिटीज से लोग देख रहे हैं जिनका बहुत शौक है भाई, मतलब उनको चाहिए चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए हम लोग सब कुछ अवेलेबल करेंगे। बाकी अगर आप लोग इसकी फिट एंड फिनिश के बारे में बात करेंगे, इट्स अ H2H थिंग, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है, और आई होप कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं अभी, ये माइक को माउंट करेंगे, ठीक है, इसको हमने प्लेस नहीं किया, आप यहाँ लगवा सकते हैं, यहाँ लगवाना चाहिए, यहाँ लगवा सकते हैं, कई सारे लोग यहाँ भी प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर अच्छा ये रहेगा यहाँ लगवा लीजिए या यहाँ लगवा लीजिए। अच्छा, हम लोग एक प्लग एंड प्ले वो भी ला रहे थे कि हमारे स्टीरियोस के लिए भी अब हर ब्रांड के लिए जो है हम लोग वो लेके आ रहे हैं माइक्स, कुछ प्रिंस भैया बता रहे थे जो कंपनी का माइक चलाने के लिए, कंपनी का माइक कर रहे हैं सर, उन पे वर्किंग कर रहे हैं, हुंडई वगैरह का तो करके चालू करके देते हैं, मारुति के कई गाड़ियों करके देते हैं हम लोग, ठीक है, कस्टमर की डिमांड पे। चलो भाई, ये मतलब अब आने वाले टाइम पे हर गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी है इनकी कंपनी का माइक तो चालू होती है, जब हम सिस्टम चेंज करते हैं कंपनी बस एंड्रॉइड दोनों माइक चालू है। वेरी नाइस, तो भाई आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया है, कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। आज आप लोगों को दिखाई पोर्शे के बहुत सारे लवर्स है, आपके पास 2007 हो 8 हो, क्योंकि 7-8 वाली गाड़ियां पुराने वाली जो पोर्शे आती है उसका भी स्टीरियो है मेरे पास, बिल्कुल भाई, वो सबसे ज्यादा अपने टाइम की पैनामेरा का भी स्टीरियो है मेरे पास, तो भाई कुछ भी चाहिए हो सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। और बताओ अब तुम्हें और क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल करा रहे। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मुसाफिर 811 लिख के, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं मुसाफिर कास लिख के। थोड़ी सी एक ड्राइव कर लेते, थोड़ा सा इसका 360 चेक करा लेते और फिर करते आज की इस वीडियो को एंड। सो गाइस, आप लोगों के साथ अभी लाइव जो है मैं इसका रिस्पॉन्स आप लोगों को चेक करा रहा हूँ। अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस, 2D और 3D लाइव टेस्टिंग आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आप लोग अगर देखना चाहेंगे, ये आप लोगों का फ्रंट व्यू जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आप लोगों का रियर व्यू है,
ये आप लोगों का साइड व्यू है, साथ ही साथ में रियर से भी आप लोगों के जो रियर टायर्स वाला व्यू है, ये आपका फ्रंट वाला व्यू है, दिस इज योर रियर व्यू। तो ये सारे व्यूज आपके पास अवेलेबल है 3D के अंदर भी, अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करना चाहे तो यू विल गेट दैट क्वालिटी, दैट टच, और आप लोगों को जो है जनरली मजा आएगा। ठीक है, आप लोग जहां क्लिक करेंगे वहां का मोड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ऐसा कुछ ड्राइव का मजा जो है वो आप लोग इस गाड़ी के साथ में ले सकते हैं। 3D मोड के साथ में क्या है, आप लोगों का फ्रंट व्यू जो है वो बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को विजिबल रहता है, साथ ही साथ में पीछे से जो आने वाली गाड़ी है, अगर आप लोग ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वो आप लोग जो है इससे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो जो है वो कैसी लगी है जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम में आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो और लेके आएंगे, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वर्किंग के लिए हाइपरसोनिक क्लब के लिए आओ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ नंबर और एड्रेस अवेलेबल है। ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए। स्टे ट्यून्ड। आज हमारे साथ दिलीप भाई थे, दिलीप भाई को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उन्होंने एक एक बिल्कुल बिट बिट चीज़ें जो है आप लोगों को दिखाई है। लग्जरी गाड़ियों के लिए अब नहीं पीछे हटते, सब चीज़ें हम अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसे कर दो, बाय बाय।